चूज कर सकता है, बैग वन के साथ टिफिन टू चूज कर सकता है, बैग वन के साथ टिफिन थ्री चूज कर सकता है, सेम वे विद द बैग टू ही कैन चूज। देन टू वाटर बॉटल्स हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अगेन ही कैन चूज इधर फर्स्ट बॉटल और सेकेंड बॉटल, यहाँ पे भी या फर्स्ट बॉटल या सेकेंड बॉटल, फर्स्ट बॉटल और सेकेंड बॉटल, हर एक के साथ सेम ऑप्शन बनेंगी। सो ओवरऑल अगर हम इनको लेके चलें तो हमारे पास बी वन के साथ ये थ्री ऑप्शंस हैं, थ्री के साथ आगे फर्दर वो और ले सकते हैं। तो यहाँ जो आपकी ऑप्शन बनी दैट इज बी वन टी वन डब्ल्यू वन, दिस इज बी वन टी वन डब्ल्यू टू, बैग वन और टिफिन वन के साथ वाटर बॉटल फर्स्ट या वाटर बॉटल सेकेंड, देन बैग वन और टिफिन टू के साथ फर्स्ट वाटर बॉटल या सेकेंड वाटर बॉटल, देन बैग वन और टिफिन थ्री के साथ इधर फर्स्ट वाटर बॉटल और सेकेंड वाटर बॉटल। तो इस कॉम्बिनेशन से सिक्स वेज में जो है वो थिंग्स को चूज कर सकता है। इन द सेम वे नेक्स्ट वाले कॉम्बिनेशन को अगर हम लेके चलते हैं तो बैग टू के साथ टिफिन वन वाटर बॉटल फर्स्ट, बैग टू टिफिन वन के साथ वाटर बॉटल सेकेंड, बैग टू टिफिन टू के साथ फर्स्ट वाटर बॉटल, बैग टू टिफिन टू के साथ सेकेंड वाटर बॉटल, देन बैग टू टिफिन थ्री के साथ फर्स्ट वाटर बॉटल, बैग टू टिफिन थ्री के साथ सेकेंड वाटर बॉटल। तो अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वो सिक्स वेज में थिंग्स को चूज कर सकता है। सो टोटल जो नंबर ऑफ वेज हमारे पास यहाँ पे बने दैट इज सिक्स इंटू टू ट्वेल्व वेज हमारे पास बन गए। अब इसको अगर हम लेके चलें तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास दो थे, यहाँ पे दिस वॉज गिवन टू यू थ्री, और वाटर बॉटल्स कितनी थी आपके पास टू, यानी कि टू इंटू थ्री इंटू टू, दिस इज द नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ टिफिन्स एंड नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें वो उनकी सिलेक्शन कर सकता है कि कौन से वाटर बॉटल के साथ कौन सा बैग या कौन सा टिफिन उसके ले उसने लेके जाना है, That is given by 12. तो ये जो है आपका अगर हम इसकी बात करें तो ये हमने जो है इवेंट्स जो है सक्सेशन में ली कि पहले उसने बैग चूज किया, फिर उसने टिफिन चूज किया, फिर वो वाटर बॉटल जो है वो उसको चूज कर रहा है, बैग्स के बाद टिफिन, टिफिन के बाद उसने लिया वाटर बॉटल। किसी भी तरीके से आप ले सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो कि पहले टिफिन वन टिफिन टू टिफिन थ्री में से एक चूज कर ले, देन वाटर बॉटल एंड देन बैग। तो आंसर जो है आपका किसी मर्जी सीरीज में वो सिलेक्शन कर ले, दैट आंसर विल बी ऑलवेज सेम। अब जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5 एज्यूमिंग दैट रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, और सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज Not allowed. Three digit numbers हमने form करने हैं from the digits 1, 2, 3, 4 and 5. अब यहाँ पे जो है digits हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, और जो हमने places fill करने हैं that are three places to be filled with these. अब first place पे first part हमें given है that the repetition of digits is allowed. यानी कि इस वाले प्लेस को फिल करने के लिए आई एम हैविंग ऑल दिस फाइव डिजिट्स, इन फाइव में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ सकता है। इस वाले के लिए भी आई एम हैविंग अगेन, क्योंकि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है तो यहाँ पे भी मेरे पास फाइव वेज हो सकते हैं और यहाँ पे भी फाइव वेज हो सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज जिनसे जिसमें मैं इन पांचों डिजिट्स को यूज करके एक थ्री डिजिट नंबर बना सकती हूँ, दैट इज 125 नंबर्स, थ्री डिजिट नंबर्स वी कैन फॉर्म using the different combinations of the letters 1, 2, 3, 4, 5. Then second part है हमारे पास कि repetition of digits is not allowed. Repetition of digits is not allowed. यानी कि अब मैं अगर ये वाला place या ये वाला दोनों में से मैं आगे से पीछे की तरफ fill कर रही हूँ, तो अब अगर मेरे को ये वाला place fill करना है तो I am having five digits available with me. So this place can be filled by any of these five digits. अब क्योंकि repetition allowed नहीं है तो नेक्स्ट प्लेस के लिए इन पांचों में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा,
तो नेक्स्ट प्लेस के लिए आई विल बी हैविंग फोर डिजिट्स लेफ्ट विद मी बिकॉज रेपिटेशन अलाउड नहीं है. यहाँ रेपिटेशन अलाउड थी तो पांचों में से कोई भी डिजिट आपका रिपीट हो सकता था. तो सेकेंड प्लेस के लिए भी हमारे पास फाइव डिजिट्स अवेलेबल थे. यहाँ रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो एक डिजिट को पांचों में से कोई भी एक डिजिट यहाँ आ गया, उस डिजिट को छोड़ के बाकी जो चार बचेंगे उनमें से हम इस प्लेस को फिल कर सकते हैं. अब थर्ड प्लेस के लिए ये जो दो डिजिट्स आपने यहाँ पे फिल किए थे वो रिपीट नहीं हो सकते हैं. तो लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन थ्री वेज. तो आपका जो इसमें नंबर ऑफ वेज आएंगे दैट विल बी 23 are 60. तो इट मीन्स अ थ्री डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इन विच रेपिटेशन इज नॉट अलाउड यू कैन फॉर्म 60 सच नंबर्स. उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हो. डिजिट्स आपके कौन कौन से हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. आपको अगेन यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है एंड द नंबर शुड बी इवन. नंबर इवन होना चाहिए, यानी कि नंबर इवन मींस लास्ट प्लेस का जो डिजिट है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2. तो लास्ट प्लेस पे 2 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 2. यानी कि जो आपका लास्ट प्लेस है वहां पे आप 2, 4 या 6 में से कोई एक नंबर जो है पुट कर सकते हो. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन थ्री वेज आउट ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री डिजिट्स. देन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड है तो इस प्लेस और इस प्लेस के लिए ऑल द 6 डिजिट्स आर अवेलेबल. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज. और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि इवन नंबर है तो या यहाँ पे 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा. तो दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा आपको 108 वेज. देन द थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड. नो लेटर कैन बी रिपीटेड मीन्स रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. आपका जो कोड आपको बनाना है दैट इज अ 4 लेटर कोड, यानी कि मुझे 4 प्लेसेस फिल करने हैं आउट ऑफ द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. ये ना भी लिखो तो चलेगा. तो ये आपके फर्स्ट 10 लेटर्स हैं. इन लेटर्स को यूज करके हमने जो है एक 4 लेटर कोड बनाना है और सिर्फ फर्स्ट 10 लेटर्स यूज करने हैं और जो लेटर्स हैं दैट आर नॉट टू बी रिपीटेड. नो लेटर कैन बी रिपीटेड मींस आप इनमें से रिपीट नहीं कर सकते. तो 4 जो है प्लेसेस के लिए अगेन मैं आगे से पीछे की तरफ इनको फिल कर रही हूँ. आप पीछे से आगे भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा. अब यहाँ पे अगर हम फिल करेंगे ये स्पेस जो है ये प्लेस फिल करने के लिए 10 लेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज. अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 10 में से एक जो यहाँ आ जाएगा उसको छोड़ दोगे, रिमेनिंग 9 रह जाएंगे. देन अगले के लिए ये भी छोड़ दोगे, 8 रह जाएंगे, अगले के लिए 7 रह जाएंगे. तो इनका जो प्रोडक्ट है दैट विल गिव यू द आंसर. सो दिस जो है 4 लेटर कोड विद नो रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स कैन बी फिल्ड इन 10 × 9 × 8 × 7 प्रोडक्ट कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस. नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस मीन्स रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है. एक तो अब आपको देखो क्या क्या कंडीशन रिड्यूस हो गई आपकी. आपको जो टेलीफोन नंबर बनाना है दैट इज 5 डिजिट नंबर, यानी कि 5 प्लेसेस हमने फिल करने हैं. सेकेंड कंडीशन वो क्या दे रहा है कि नंबर स्टार्ट्स विद 67. तो इट मींस ये दोनों आपके जो प्लेसेस हैं वो ऑलरेडी 6 और 7 से फिल्ड हैं. बाकी के जो 3 नंबर्स प्लेसेस बच गए वो हमने फिल करने हैं. और साथ में कंडीशन उसने क्या दी है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस. नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस मींस रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. डिजिट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक, यानी कि टोटल 10 डिजिट्स हो गए आपके पास.
अब जीरो से नाइन में सिक्स हम यूज कर चुके हैं, सेवन हम यूज कर चुके हैं, तो दीज विल नॉट बी रिपीटेड. बाकी जो है वो आपके डिजिट्स कितने रह गए, फोर टू सिक्स एंड टू एट, यानी कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन एट वेज. उसके बाद रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो नेक्स्ट के लिए एक डिजिट और छोड़ देंगे, सेवन रह जाएंगे, उससे अगले के लिए सिक्स रह जाएंगे. तो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ वेज इन विच फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स जीरो टू नाइन and each number starting with 67. Each number starting with 67 means 67 को fix कर दो, बाकी के places आपने fill करने हैं. Now question number 5. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? ये आपको पता ही है, possible outcomes H, H और T के combination से आप बनाते हो, तो that is 8. So this you can do yourself. अब again अगर इसमें मैं वैसे देखूं तो देखो, थ्री टाइम्स उसको हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्लेस के लिए इधर द रिजल्ट विल बी हेड और टेल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट में भी कुछ आ सकता है, नेक्स्ट में भी कुछ आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8. उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना. गिवन फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, फाइव फ्लैग्स हमें गिवन है डिफरेंट कलर्स के. हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर. अब हमने हर एक सिग्नल में दो फ्लैग्स जो है वो यूज करने हैं विद डिफरेंट कलर्स, और हमारे पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं, फाइव फ्लैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं विद डिफरेंट कलर्स. तो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर. तो ये हमें एक सिग्नल बनाने के लिए ये कॉम्बिनेशन चाहिए. अब ये वाला जो है, टोटल फाइव कलर्स आर अवेलेबल विद अस, तो फर्स्ट प्लेस के लिए जो यानी कि फर्स्ट कलर है आपका, वो इन फाइव कलर्स में से कोई एक हो सकता है. उसके बाद वो कह रहा है कि डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड. तो नेक्स्ट प्लेस के लिए अगर आप इसको लेके चलोगे, नाउ यू विल टेल मी कि नेक्स्ट प्लेस के लिए वेदर यू आर टू टेक द फाइव सिग्नल्स और फोर सिग्नल्स, फाइव लेके चलने हैं आपने या फोर लेके चलने, और क्यों ये भी बताओगे. अभी तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब मुझे सेकंड उसके लिए बताओ कि सेकंड प्लेस के लिए जो हमने फिलिंग करनी है, वेदर वी कैन यूज सेम कलर और वी आर टू यूज द डिफरेंट कलर्स. यहाँ पे मैं जो सेकंड प्लेस फिल कर रही हूँ, दैट विल बी फिल्ड विद फोर और फाइव, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर. हाँ जी, विल इट बी फाइव और फोर? You can mute yourself, unmute yourself and answer. Statement अगर आपने पढ़ी हो तो इसमें clear cut given है, each signal requires the use of two flags. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्योंकि two flags और flags सभी different colors के given है, it means यहाँ पे एक color जो हमने use कर लिया वो दोबारा यहाँ पे use नहीं हो सकता. तो इस place के लिए I will be having four flags only. तो इट मींस टोटल 20 सिग्नल्स जो हैं वो आपके जनरेट हो सकते हैं. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज परमुटेशंस. जो अभी तक हम ये करते आए हैं इसी पे बेस्ड है ये सारा, कि कितने नंबर ऑफ जो है वेज में हम थिंग्स को अरेंज कर सकते हैं, दैट इज द परमुटेशन. तो परमुटेशन जो है, अगर हम बात करें कि लेट अस सपोज कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं या एन थिंग्स हैं, उसमें से हम या आर थिंग्स ले रहे हैं, या जैसे अभी तक हमने ये केसेस किए थे इसमें हम एन की एन थिंग्स ले रहे थे, तो उनको अगर हम एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो दैट इज द परमुटेशन. उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन. परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है. सेकंड इसमें आपका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर जो है, किस ऑर्डर में अरेंज किया है, वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है. तो अगर लेट अस सपोज कि मेरे पास ए बी सी ये तीन चीजें हैं, तो जब हम परमुटेशन की बात करेंगे तो परमुटेशन में ए बी सी और सी बी ए, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो उसमें ये सेम चीज काउंट होगी. जब हम परमुटेशन की बात करते हैं, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है कि ए फर्स्ट पोजिशन पे है, थर्ड पोजिशन पे है, सी थर्ड पोजिशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन पे है. So these will be two different things according to permutation. But अगर हम combination की बात करेंगे तो that will be the same thing. उससे पहले factorial का concept आपको पता होना चाहिए.
इससे पहले कि हम कॉम्यूटेशन डिटेल में करें, फैक्टोरियल जो है, जब हम फैक्टोरियल की बात करते हैं तो फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. लेट अस सपोज कि मैंने एन फैक्टोरियल लिया. ये जो आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है इंग्लिश का, दिस इज द सिंबल फॉर फैक्टोरियल. कुछ बुक्स में आपका ये वाला साइन भी मिलेगा, तो बोथ ऑफ दीज मीन्स द सेम. अब जब हम एन फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो एन जो है दैट विल बी एनी नेचुरल नंबर. तो इट मीन्स कि एन तक जितने भी नेचुरल नंबर्स बनते हैं उन सब का प्रोडक्ट, यानी कि एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल नंबर्स, सो प्रोडक्ट विल बी टेकन अप टू नंबर वन. यानी कि अगर मैंने फोर फैक्टोरियल की बात की तो दैट विल बी फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. अगर मैं बात करूंगी लेट अस सपोज थ्री फैक्टोरियल की तो दैट विल बी थ्री इंटू टू इंटू वन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेवन फैक्टोरियल तो सेवन से लेके वन तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट. ऐसे ही अगर हम हंड्रेड फैक्टोरियल की बात करेंगे तो दैट विल बी हंड्रेड इंटू नाइनटी नाइन इंटू नाइनटी एट अप टू वन, सभी नंबर्स का प्रोडक्ट. अब एक हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं जीरो फैक्टोरियल. जीरो फैक्टोरियल को जो है हम हमेशा लेके चलते हैं इक्वल टू वन, और नेगेटिव नंबर्स का जो फैक्टोरियल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. जीरो फैक्टोरियल को हमने हमेशा वन लेके चलना है. सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका, तो दिस यू हैव टू यूज एज इट इज. और बाकी नेगेटिव नंबर्स का जो है आपका फैक्टोरियल वो एग्जिस्ट नहीं करता है. वन जीरो के अलावा और कोई अगर आप नंबर लेके चलते हैं तो उस नंबर से लेके वन तक जितने भी नंबर्स बनते हैं उन सब का प्रोडक्ट जो है दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द एन फैक्टोरियल. देन वापिस आते हैं हम परमुटेशन वाले कंसेप्ट पे. अगर हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशंस हमने निकालनी है फॉर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, कि अब हम एन थिंग्स हमें गिवन है, एन में से एन की एन थिंग्स को हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, वी आर अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी गिवन बाय एन वी आर. अब एक चीज का आपने यहाँ ध्यान रखना है, जो आपकी एन की वैल्यू होगी दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर. एन कैन नेवर बी लेस देन आर. रीजन बीइंग कि आप कम चीजों में से ज्यादा चीजें जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हो. तो n can never be less than r. n की वैल्यू जो है वो या r के इक्वल हो सकती है या r से हमेशा बड़ी होगी. अब इसको जो है मुझे अगर सिंप्लीफाई करना है, आई हैव टू राइट इट डाउन इन द फैक्टोरियल नोटेशन. तो दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो ये जो है आपका बनेगा परमुटेशन का एन पी आर. ये जो है आपका फॉर्मूला यूज होगा इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. हम इसी वे में लिखेंगे. मान लो मुझे फोर थिंग्स आउट ऑफ सेवन सिलेक्ट करनी है तो दैट विल बी सेवन पी फोर. डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस हमें क्या गिवन है, हमारी जो ये वैल्यूज हैं अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएंगी. अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आइए, एक्सरसाइज 7.2 के. उससे पहले सिंपली आपको जो है कैलकुलेशंस दी हुई है. जैसे एग्जाम्पल है आपका 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल. तो लेट अस सपोज मैंने ले लिया 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल में से जब हम 5 फैक्टोरियल माइनस करेंगे तो इट मींस इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल. ये चीज है मेरे पास. 6 को मैंने अलग कर लिया, 5 से लेके 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट जो है दैट इज 5 फैक्टोरियल. तो दिस कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. यानी कि कोई भी नंबर का फैक्टोरियल इज दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 लेस उसका जो प्रीडिसेसर है उसका फैक्टोरियल. तो सेम वे में जो n फैक्टोरियल है मेरा दैट कैन बी रिटन एज n इंटू इसका जो प्रीडिसेसर है दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये नंबर है n माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n. तो मैंने यहाँ पे सेम कंसेप्ट यूज किया, 6 फैक्टोरियल को आई हैव रिटन एज 6 इनटू 5 फैक्टोरियल. माइनस 5 फैक्टोरियल आपका ऑलरेडी था. अब यहाँ से हम 5 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं एंड दिस इज लेफ्ट 6 माइनस 1. तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5. 5 फैक्टोरियल जो है आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो दैट इज 120 इंटू 5.
यानी कि आपका आंसर जो है दैट विल बी इक्वल टू 600। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे, 6 फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 6 to 1, तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 720। सेम वे में 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू 120। दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो दैट इज इक्वल टू 600। तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगता है यू कैन गो फॉर दैट मेथड। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इवेल्यूएट 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल यानी कि 8 से लेके 1 तक के सभी नंबर्स का प्रोडक्ट। So this is 8 into 7 into 6 into 5 into 4, 3, 2, 1. Product आप कर लेंगे तो that will be your answer. Next, second part आप खुद करोगे, that is 4 factorial minus 3 factorial. So this can be written as 4 into 3 factorial minus 3 factorial. बाकी अभी जो मैंने question discuss किया था बिल्कुल same way है, तो this you will do yourself. Then question number 2, is 3 factorial plus 4 factorial is equal to 7 factorial. तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है, जब हम फैक्टोरियल लेके चल रहे हैं, फैक्टोरियल्स को ऐड कर रहे हैं, तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स। इसमें वैसे नॉर्मली अगर हम लेके चले 3 प्लस 4 हमें 7 मिलता है, बट फैक्टोरियल के केस में इट विल नॉट बी ऑलवेज लाइक दिस। तो आपको ये चेक करना है, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड आपकी 30, राइट हैंड साइड जो है हमारी आएगी 720 इंटू 7। अभी 6 फैक्टोरियल हमने 720 किया था, तो दिस इज 720 इंटू 7, दिस इज 5040। बोथ ऑफ दीज आर नॉट इक्वल, तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर टू कैलकुलेट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को मैं लिख लूंगी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में आई एम ऑलरेडी हैविंग 6 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 इंटू 1 इज 2। ये 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट हमारा कट आउट हो गया, ये 2 फोर्स आर, सो द आंसर विल बी 28। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो, 8 इंटू 7, 1 तक लिख लो ये प्रोडक्ट, अपॉन में 6 फैक्टोरियल, ये भी 1 तक लिख लो, एंड 2 फैक्टोरियल, ये भी 1 तक लिख लो। अब 6 से लेके 1 तक ये सारे नंबर्स कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 28 विल बी योर आंसर। जैसे आपको इजी लगे यू कैन डू इन दैट वे। अब फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से करना है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन आपका आ जाता होता है और मोस्टली बच्चे इसमें गलत करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है, 6 फैक्टोरियल सबसे छोटा है, 7 और 8 दोनों को 6 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखो। तो दिस इज 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, एंड दिस इज एक्स अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लेंगे, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस 1/7, एंड दिस इज इक्वल टू 8x अपॉन 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके, तो दिस विल बी 8/7 इक्वल टू x अपॉन 56, तो आपका सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 64, सो दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कटिंग कर दी, 7 और 8 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8 8s are 64 विल बी योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9 में एन और आर की वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज पुट करके आपने क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। आज हम इतना ही करेंगे एक्सरसाइज 7.2 तक की, एक बार के लिए आज ये सारे क्वेश्चंस करके देखना ताकि ये बेस आपका अच्छे से बन जाए, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस टुमारो। अब ये मुझे गिवन है, इवेल्युएट करना है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर
फैक्टोरियल। पार्ट वन में मुझे एन की वैल्यू 6 गिवन है, आर की वैल्यू 2 गिवन है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये दिस विल बिकम 6 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, यानी कि 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऊपर वाला फैक्टोरियल हमारा बड़ा है तो उसको ओपन कर लेंगे। दिस कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में भी 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होके 30 जो है दैट इज योर आंसर। सो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 7.2। ये सिंपल अभी हमने परमुटेशन का कंसेप्ट किया है। देन इसमें जो आपका फॉर्मूला है एनपीआर वाला, वो सिर्फ फॉर्मूला आपने लर्न करना है, उसकी डेरिवेशन जो है दैट इज नॉट इन द सिलेबस। सो यू आर टू जस्ट गो फॉर द फॉर्मूला एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और जो एन है आपका दैट विल बी इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, और आर की जो वैल्यू है दैट विल लाई फ्रॉम 0 टू n। अगर वो 0 आ जाता है इट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टिंग एनी ऑफ द थिंग्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो मतलब पूरा का पूरा आप कॉम्बिनेशन जो है एज इट इज ले लोगे। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 7.2। तो ये आपने एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 7.3 टुमारो, और साथ के साथ ही हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही करेंगे। एंड दिस टाइम इन द टर्म 2 यू वोंट बी हैविंग एनी ऑफ द एमसीक्यूज, तो अब आपने सब्जेक्टिव के हिसाब से पूरा प्रॉपर वे में लिख के प्रैक्टिस करनी है, सो दैट एग्जाम्स में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट मुझे बच्चे मैसेज कन्वे कर देना कल अगर किसी ने ऑफलाइन आना है, देन द क्लास विल बी एट 7:50। अगर ऑफलाइन नहीं आना तो आपकी जो क्लास है वो इसी टाइम पे लगेगी। मैथ्स वाले ग्रुप में ही मैसेज डाल देना जिस बच्चे ने ऑफलाइन आना है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता लग जाए कि इस टाइम पे आपकी क्लास है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।